नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग किसी भी एजेंट के माध्यम से कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो उस एजेंट को आखिर कमीशंस किस तरह से दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप लोगों का कमीशन होता है, एक आप लोगों का रिवॉर्ड होता है। तो ये दोनों पहलू को हम लोग समझेंगे। देखिए, थोड़े एजेंट्स लोग थोड़े नाराज हो सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे पूरी तरीके से रिवेल कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज में इनका अलग अलग कमीशंस होते हैं और जरूरी भी है कमीशन उनको, क्योंकि इन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलने वाली है और उसी की वजह से आप लोगों को एक अच्छी सर्विस मिलती है। चाहे आप लोगों का कोई भी कंपनी के एजेंट हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हो, चाहे वो LIC का हो, चाहे मैक्स का हो, या फिर जो भी आप लोगों के एटसेट्रा कंपनीज आप लोगों के लिए इंश्योरेंस लेकर के आती हैं। ठीक है, यहाँ पे कई तरह के आप लोगों के इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि आप लोगों के लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें डिफर्ड पेंशन के लिए कुछ होता है, कुछ आप लोगों के सिंगल प्रीमियम होते हैं, कुछ आप लोगों के प्योर रिस्क वाले होते हैं, कुछ आप लोगों के ईयर्स वाले प्लान्स होते हैं, 1 साल 2 साल इस तरह के जो आगे प्लान्स चलते हैं, किसी में आप लोग सिंगल प्रीमियम डालते हैं तो उसमें किस तरह के कमीशंस हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप एजेंट हैं और आप लोगों को ये नहीं पता है कि भैया हमें कितना कमीशन मिल रहा है, क्योंकि कई एजेंट्स हैं जो कि दो तीन एजेंट्स को मैं जानता हूँ जिनको ये तक नहीं पता कि उनको उनकी पॉलिसी में कितना कमीशंस मिल रहा है, तो आप लोग भी देखिए कि आप लोग कितने कमीशन के हकदार हैं। और आप लोग अगर कोई पॉलिसी सेल करते हैं उसके रिगार्डिंग जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोगों को कितना कमीशन मिलता है। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि एजेंट्स को, किसी भी एजेंट्स को दो चीजें मिलती हैं और इन दो चीजों पे काम करते हैं, जो कि पहला एक होता है रिवॉर्ड और दूसरा आप लोगों का होता है कमीशन। अब ये दोनों दो पहलू हैं दोस्तों। रिवॉर्ड क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी को सेल करने का, एक आप लोगों के सामने जो भी हेड होता है उस इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको सेल करने के लिए एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड तक इस पॉलिसी को इतने समय में बेच लेते हैं, जो डेडलाइन एक बनाई जाती है उतने समय में बेच लेते हैं, तो आप लोगों को कुछ हॉलीडे पैकेजेस या फिर आप लोगों के कमीशंस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, आप लोगों की जो पोस्टिंग है उसको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाएगा, तो वगैरह वगैरह इस तरह की जो चीजें मिलती हैं वो आप लोगों के रिवॉर्ड मिलते हैं। अब कमीशन क्या होता है कि पर्टिकुलर आप लोगों का जो भी पॉलिसी है उस पे आप लोगों की जो भी प्रीमियम जा रही है, उस प्रीमियम पे जितना परसेंटेज, या फिर सिंगल प्रीमियम है तो उस पे कितना परसेंटेज आप लोगों के एजेंट्स को कमीशन मिलेगा, वो आप लोगों का होता है कमीशन। यानी कि उस प्रीमियम का कितना परसेंट हिस्सा आप लोगों के कमीशन, आप लोगों के एजेंट्स को मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि इसकी वजह से लोग जो एजेंट्स होते हैं आप लोगों को गलत पॉलिसीज भी बेच देते हैं। मैं सारे एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो लोग थोड़े लालची किस्म के एजेंट्स होते हैं, और जरूरी भी है भैया क्योंकि उनको अच्छी रोजी रोटी चलानी है, उनको बाहर घूमने जाना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, यहां पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले तो देखना है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी है कि नहीं। IRDA ने भी दोस्तों यहां पे कह दिया है कि अब जो भी कस्टमर्स लेंगे पॉलिसीज को, उनको आप लोगों को बताना होगा कि इसमें एजेंट कमीशन कितना है, उनको कितना फायदा होगा, उनकी मैच्योरिटी कितनी बन सकती है। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ी पारदर्शिता लाने के लिए IRDA ने भी कहा है कि आप लोगों को सारी जानकारी पॉलिसी होल्डर को देनी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों यहां पे उन्होंने ये भी नियम लाने की कोशिश करी है कि जो आप लोगों की दो चीजें हैं इसमें, जो आप लोगों का रिवॉर्ड और कमीशन है, दोनों को एक में कर दिया जाए, कमीशन में कर दिया जाए। अब इसमें आप लोगों को एक ये समस्या आ सकती है कि कमीशन अगर बढ़ जाएंगे तो फिर आप लोगों की मैच्योरिटी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की उस पॉलिसी में पैसा जा रहा है कम। तो यहां पे ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों के जो भी रिवॉर्ड्स होंगे वो कंपनी की तरफ से ही दिए जाएंगे, बस यहाँ पे क्या होगा कि उसको कमीशन में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की मैच्योरिटी वैल्यू में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। जो पहले मैच्योरिटी बनती रहेगी वो आप लोगों को आने वाले समय में भी मैच्योरिटी बनती रहेगी, अगर आप लोगों के कमीशन और रिवॉर्ड को एक कमीशन में ऐड कर दिया जाए। अब दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के कमीशंस और आप लोगों के जो भी पॉलिसीज हैं उन पे आप लोगों को एजेंट्स को कितना कमीशंस देना पड़ता है, या फिर एजेंट्स को कंपनी की तरफ से कितना कमीशन मिलता है प्रीमियम पे। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये IRDA की वेबसाइट से मैंने उठाया है, और वहीं से ये सारी कमीशंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई भी सिंगल प्रीमियम
पॉलिसी लेते हैं तो आप लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट का कमीशन 2% बनता है, और अगर आप लोगों का प्योर रिस्क प्रोडक्ट्स है, यानी कि आप लोगों के मार्केट लिंक्स प्रोडक्ट हैं, आप लोगों के रिस्की प्रोडक्ट हैं कोई भी पॉलिसी का, तो 7.5% का प्रीमियम बनेगा। जैसे कि अगर आप लोग 1,00,000 रुपये का प्रीमियम खरीदते हैं, आप लोगों की पॉलिसी खरीदते हैं, तो 7,500 रुपये आप लोगों का एजेंट का होगा। इमीडिएट या फिर डिफर्ड एन्युटी में 2% का उनको मिलता है कमीशन। और वहीं पे अगर आप लोग रेगुलर प्रीमियम को चूज़ करते हैं दोस्तों, तो अगर आप लोगों का प्योर रिस्क कोई भी पॉलिसी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो फर्स्ट प्रीमियम में 40% का कमीशन होता है। यानी कि अगर आप लोगों का कोई प्रीमियम बन रहा है, मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्रीमियम बन रहा है, तो 40 रुपये इसमें एजेंट का होगा पहले प्रीमियम का, और 60 रुपये आप लोगों के पॉलिसी में जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप लोगों का दोबारा से प्रीमियम इसमें चलने लगता है, तो 10% का आप लोगों का बनने लगता है। अब दूसरों यहाँ पे आप लोगों का पेंशन और डिफर्ड एन्युटी के लिए 7.5% है आप लोगों का शुरुआती, जब पेमेंट इसमें स्टार्ट होती है प्रीमियम का। फिर उसके बाद आप लोगों का जब इसमें लगातार आप लोग प्रीमियम भरते रहते हैं, तो 2% का हर महीने या फिर जिस भी तरह का तिमाही का, सालाना का, छमाही का, जिस भी तरह से आप लोग करते हैं, तो उसमें 2% का कमीशन बनता है। अब यहाँ पे जो अदर पॉलिसीज होती हैं, जो इनके डिफर्ड एन्युटी, प्योर रिस्क वाले, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो अलग पॉलिसी आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए 5 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आप लोगों का जो फर्स्ट प्रीमियम होगा उसमें से 15% कमीशन एजेंट को जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का 7.5%, 6 सालों के लिए 18% आप लोगों का फर्स्ट प्रीमियम में से जाएगा, और फिर उसके बाद 7.5%, 7 सालों के लिए 21%, और फिर उसके बाद 7.5% जाने लगेगा। यानी कि दोस्तों आप लोगों के जो भी प्रीमियम होंगे उसमें आप लोगों का 7.5% फर्स्ट प्रीमियम के बाद कमीशन्स मिलने लगते हैं एजेंट्स को। तो आप लोग यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड मान सकते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम पॉलिसीज में 7.5% का कमीशन्स दिया जाता है एजेंट्स को। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग 8 साल की कोई पॉलिसीज लेते हैं, तो 24% का फर्स्ट प्रीमियम से कमीशन जाता है, 9 साल में 27% का, 10 सालों में 30% का, 11 सालों का कोई पॉलिसी लेते हैं तो 33% का, 12 सालों की कोई पॉलिसी लेते हैं तो 35%। तो दोस्तों ये तो रहे आप लोगों के एजेंट से कमीशन की, एजेंट्स आप लोगों से किस तरह से कमीशन के माध्यम से कमाते हैं अपनी पॉलिसी को सेल करके, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनका हक बनता है कि वो कमाए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ समझनी है सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम को, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए सिंगल प्रीमियम में एजेंट्स को केवल एक बार कमीशन मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं उसमें आप लोगों ने पूरी पॉलिसी का पैसा एक बार में डाल दिया, एक बार में पूरा प्रीमियम भर दिया, तो आप लोगों का वो सिंगल प्रीमियम हो जाता है। और रेगुलर प्रीमियम में क्या होता है दोस्तों कि आप लोग जैसे कि चूज करते हैं, आप लोगों ने 10 साल की कोई पॉलिसी ले ली, ठीक है। अब आप लोगों ने वहां पे चूज किया है, जितनी की भी पॉलिसी आप लोगों ने खरीदी है, तो आप लोग चाहते हैं कि महीने का पेमेंट जाए, तिमाही का जाए, छमाही का जाए, सालाना का जाए, तो आप लोग फिर उसको पेमेंट उस हिसाब से करते हैं, तो उस हिसाब से एजेंट को उसमें कमीशन मिलता रहता है। तो ये रही दोस्तों पूरी वीडियो जो कि आप लोगों को बताना था। ये मुझसे लगभग 2 महीने से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि हमें पॉलिसी लेनी है, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि एजेंट कितने कमीशंस लेते हैं, किस तरह से कमाई करते हैं। और एक दो क्वेश्चन तो एजेंट्स की तरफ भी थे कि हमें इस पॉलिसी पे कितना कमीशन मिलता है। तो ये रही दोस्तों आप लोगों के पूरे कमीशंस की लिस्ट। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन और हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग कोई और वीडियोस चाहते हो अपने टॉपिक पे तो आप लोग भी वो बता सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे भी आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जिससे कि आप लोग मुझसे पर्सनली क्वेश्चंस को पूछ सके। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।